काफ़ी लोग किसी काम में बहुत मेहनत करते हैं और जब अंतिम चरण में होते हैं तब छोटी सी लापरवाही हो जाती है और पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। इसलिए जब तक आप हमारा काम पूरा ना हो जाए तब तक जरा सी भी लापरवाही नहीं होने देना चाहिए। संत कबीर ने एक दोहे में बताया है कि हमें कब तक नहीं मानना चाहिए कि हम सफल हो गए हैं। चलिए देखते हैं वो कबीर दास जी का दोहा क्या है। पक्की खेती देख के गर्व किया किसान, अजहूं झोला बहुत है घर आवे तब जान। इस दोहे में अजहूं झोला शब्द आया है। झोला शब्द का अर्थ है झमेला, फसल पक चुकी है, किसान बहुत प्रसन्न है, यहीं से उसे अपमान हो जाता है, लेकिन फसल काटकर घर ले आने तक बहुत सारे झमेले हैं, कई कठिनाइयां हैं। जब तक फसल बिना बाधा के घर ना आ जाए तब तक सफलता नहीं माननी चाहिए। इसीलिए कहा गया है घर आवे तब जान। यह बात हमारे कार्यों पे भी लागू होती है। कोई भी काम करें जब तक अंजाम पर ना पहुंच जाए या बिल्कुल न मान लें हम सफल हो चुके हैं। बाधाओं की कई शक्लें होती हैं, इसी में से एक शक्ल अभिमान है तो दूसरी लापरवाही है। इसीलिए कबीरदास जी ने इस ओर इशारा किया है। अब सवाल यह है कि अपनी सफलता को पूर्ण रूप देने के लिए अभिमान रहित कैसे रहा जाए। इसके लिए परम पिता परमेश्वर के प्रति लगातार प्रार्थना व आभार व्यक्त करें, क्योंकि जब तक हम प्रार्थना में डूबे हुए होते हैं हमारी भावनाओं में, विचारों और शब्दों में समर्पण और विनम्रता का भाव अपने आप आता है। जैसे श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता इंसान को हर जगह मान देती है और योग्यता इंसान को स्थान दिलाती है। ये गुण जिस भी इंसान में होते हैं उसे हर जगह सम्मान मिलता है। सोचिए बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देते हैं। समस्याएं कॉमन हैं, लेकिन आपका नजरिया इनमें डिफरेंस पैदा करता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। आप यह नहीं कह सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना महान एवं सफल लोगों को मिलता है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी।